वेलकम बैक इन ई लर्निंग क्लास बाय सविता सांगवान. येस्टरडे वी हैव डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर एंड हाउ कैन वी मल्टीप्लाई द डेसिमल नंबर्स. सो टूडे वी विल डिस्कस द वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर. तो बेटा देखिए, क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, रेनू नीड्स 5 पीसेस ऑफ लेंथ दिस, यानी इस लेंथ के 5 पीसेस चाहिए उसे. दूसरी सेंस में कहें 5 इतने के, तो हम इसको 5 टाइम्स ये रिक्वायर्ड है, 5 टाइम्स. तो एक तो तरीका ये है, हम 5 टाइम्स इसको ऐड कर लें. नहीं तो क्या करें, 5 टाइम्स का मतलब क्या होता है, इसको भी तो हम 5 टाइम्स बोलते हैं, यानी मल्टीप्लाई. जब 1 पीस की लेंथ इतनी, नंबर ऑफ पीसेस हैं 5, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 5 पीसेस की, 5 टाइम्स यानी 5 से मल्टीप्लाई. रिपीटेड एडिशन का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई. नेक्स्ट देखेंगे बी पार्ट. 1 बुक की कॉस्ट गिवन है इतनी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 15 सच बुक्स. तो बेटा ये डिजिट्स चेंज है, ये पुराना पीडीएफ है, तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट कर दीजिए जो आपकी बुक में है. तो 1 बुक कॉस्ट इतनी, कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स, तो 15 की फाइंड आउट करनी है, वही प्रोसीजर है. या तो 15 टाइम्स जैसे बिल बनाते हैं उसको लिख के प्लस करें, या फिर क्योंकि नंबर सेम है, रिपीट हो रहा है, ऐड हो रहा है, रिपीट होके, रिपीटेड एडिशन मींस मल्टीप्लिकेशन. 15 टाइम्स है ये नंबर, तो 15 टाइम्स को हम, इसको भी हम यही रीड करते हैं, टेबल को हम ये भी बोलते हैं, 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 2 इज 4. इस तरह से 15 टाइम मींस 15 से मल्टीप्लाई, तो 15 से मल्टीप्लाई करके 15 0 0, 15 5 75, 7 कैरी, 15 5 75 और 7 82, 8 कैरी, 15 5 75 और कितना आया था बेटा, 75 और 7 कितना हो गया, 82, 8 कैरी, 15 7 105 और 8 113. तो अब डेसिमल प्लेसेस कितनी, उतने के बाद हमने डेसिमल लगा देंगे, 2 प्लेसेस, तो 2 के बाद, पैसे वैसे भी 2 डिजिट में होते हैं, ठीक है, वहाँ डेसिमल लगा देते हैं. और डेसिमल हम किस लिए यूज़ करते हैं, रिमाइंड करा दूँ, 2 यूनिट को सेपरेट करने के लिए, स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट से सेपरेट करने के लिए. नेक्स्ट चलेंगे सी पार्ट. देखिए बेटा, इन सी पार्ट यू हैव गिवन, इट नीड्स 2.75 मीटर ऑफ क्लॉथ टू स्टिच 1 शर्ट. आपकी बुक में शर्ट है, ये पुराने पीडीएफ में पजामा है. तो व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड फॉर 6 सच शर्ट्स. तो क्लॉथ नीडेड फॉर 1 शर्ट, क्लॉथ नीडेड फॉर 6 शर्ट्स, तो 6 के लिए 6 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ जाएगा, 6 5 30, 3 कैरी, 6 7 42 और 3 कितना हो गया बेटा, 45, 4 कैरी, 6 2 12 और 4 कितना हो गया, 16, इतने मीटर. तो हमने डेसिमल कहाँ लगाया, 2 प्लेसेस थी, तो 2 प्लेसेस के बाद, क्लियर है. नेक्स्ट चलें डी पार्ट. देखिए डी पार्ट में, द वेट ऑफ 1 चेयर इज गिवन. वेट ऑफ 1 चेयर जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं. फाइंड द वेट ऑफ 3 डजन. 1 डजन कितने के इक्वल होता है बेटा, 1 डजन मींस आप लेते हो ना बनाना, परचेज करते हो, डजन में होता है 12, तो 3 कितने के इक्वल हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 12, यानी 36. यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है, 36 चेयर का वेट. तो वेट ऑफ 1 चेयर, वेट ऑफ 3 डजन, यानी 36 चेयर्स कितना हो गया, 36 टाइम, 36 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 135.00 के से. नेक्स्ट है, आप कहीं जा रहे हैं सपोज, तो कहीं किसी के घर जाते हैं, मिलने जाते हैं, तो हम फ्रूट वगैरह लेके जाते हैं ना, तो सेम वैसे ही जा रहे हो, तो आपने फ्रूट सेलर से उसकी कॉस्ट पूछी, मैंगो लेके जाना चाहते हो आप, तो उसने क्या बताया, कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो इज़ 65 रुपीज़, और आपको कितने लेके जा रहे हैं, 2.5 kg. तो क्या होगी उसकी कॉस्ट, या तो आप 65 को डबल कर लो, 2 kg की हो जाएगी, फिर हाफ के पैसे और उसमें ऐड कर दो तो आ जाएगा. तो दूसरा तरीका ये है, 2.5 से मल्टीप्लाई, तो 2.5 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 162.50 रुपीज़. नेक्स्ट है, अ बैग हैज़ 85.7 kg वीट. इतना वेट, इतना वीट है 1 बैग में, तो हाउ मच
वीट विल बी देयर इन थाउजेंड सच बुक्स, तो थाउजेंड में कितना होगा, थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, थाउजेंड टाइम्स। और बेटा आपको 10, 100, 1000 से अभी मल्टीप्लाई करना सीखा है, वन डेसिमल प्लेस की वजह से 10 कैंसिल, पीछे 20 आ जाएंगे। क्लियर है? तो आज आप इसे कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स एंड टुडेज क्लास।